हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा 2019 के लिए राजस्थान ज्योग्राफी की अपनी 6 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों आज 7वीं क्लास है। 6ठी क्लास में दोस्तों अपन ने जो पश्चिमी राजस्थान था उसमें शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल के बारे में पूरा पढ़ लिया था। दोस्तों आज हैं वो अपन अरावली के बारे में पढ़ेंगे। अरावली है अपन दो पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज क्लास नंबर 7 है और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने पिछली अगर क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको फोल्डर मिलेगा राजस्थान भूगोल पटवार परीक्षा 2019। ठीक है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों अपनी आती है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला ये दोस्तों कितने प्रतिशत भाग पे फैली हुई है, तो आप सभी को पता है कि 9% भाग पे तो ये फैली हुई है और 10% इसमें जनसंख्या निवास करती है। इसमें पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब देखो विश्व का प्राचीनतम पर्वत है कौन सा, तो वो अरावली पर्वत है। कौन सा है? अरावली पर्वत है जो विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है। इसकी तुलना है वो उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन पर्वत से की जाती है। अरावली पर्वत की जो तुलना है वो किससे की जाती है, तो उत्तरी अमेरिका का एक पर्वत है जिसका नाम है अल्पेशियन, उस पर्वत से दोस्तों अरावली पर्वतमाला की तुलना की जाती है। दोस्तों भारत में दक्षिण से उत्तर की ओर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में फैली पर्वत श्रृंखला को अरावली पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। अब आप सभी को पता चल गया होगा कि भारत में जो अरावली पर्वतमाला है वो कितने राज्यों में फैली हुई है, तो दोस्तों 4 राज्यों में फैली हुई है अरावली पर्वत श्रेणी, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। ठीक है, ये 4 राज्यों में फैली हुई है अरावली पर्वतमाला। इसका जो निर्माण काल है दोस्तों, निर्माण काल की अगर अपन बात करें तो अरावली पर्वत का जो निर्माण काल है वो प्री कैम्ब्रियन, ठीक है, कैम्ब्रियन है, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था दोस्तों इसका निर्माण, अरावली का निर्माण। और ये दोस्तों गोंडवाना लैंड का भाग है। मैंने आपको पहले बताया था शुरू में कि अरावली है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। देखो अरावली की अगर अपन विस्तार की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। भारत में टोटल इसकी लंबाई है वो कितनी है, 692 किलोमीटर। राजस्थान की अगर अपन बात करें तो राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग पर अरावली फैली हुई है, तो दोस्तों अरावली की सॉरी लंबाई, तो वैसे राजस्थान में तो 9% भाग पर अरावली फैली हुई है। ठीक है, और राजस्थान में अगर अरावली की लंबाई की बात करें, टोटल लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर, और राजस्थान में कितनी है, तो 550 किलोमीटर लंबाई है राजस्थान में, जो कुल अरावली का 80% भाग है वो है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग पर फैली हुई है अरावली, तो 9% भाग पर। जनसंख्या कितनी निवास करती है, तो 10% जनसंख्या निवास करती है अरावली का, सॉरी अरावली की कुल लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर। कितने राज्यों में फैली हुई है, तो 4 राज्यों में फैली हुई है। राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है, तो 550 किलोमीटर है, 80% भाग है वो राजस्थान में है अरावली का। इसकी औसत ऊंचाई की अगर अपन बात करें तो औसत ऊंचाई है इसकी 930 मीटर है, ये अरावली की औसत ऊंचाई है, याद रखना दोस्तों। ठीक है, अब देखो अरावली एक प्राचीनतम वलित व अवशिष्ट पर्वतमाला है। अरावली एक प्राचीनतम वलित व अवशिष्ट पर्वतमाला है। अरावली में पाई जाने वाली प्रमुख चट्टानें क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट और नीस, ये दोस्तों जो चट्टानें हैं ये अरावली में पाई जाने वाली जो प्रमुख चट्टान है उनके नाम है। दोबारा देखो कि अरावली एक प्राचीनतम वलित वह अवशिष्ट पर्वतमाला है और इसमें पाई जाने वाली प्रमुख चट्टानें हैं क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट और नीस, याद रखना। अरावली धारवाड़ प्रकार की चट्टानों से बनी है। अरावली है वो धारवाड़ प्रकार की चट्टानों से बनी है। अरावली को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है।
ठीक है, अरावली है उसको 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है अरावली को। अब अपन देखते हैं कैसे बांटा गया है। ठीक है, तो ये देखो, ये राजस्थान के अंदर जो दक्षिणी अरावली है ये है दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली ये है और उत्तरी अरावली है वो ये है। ये अरावली को 3 भागों में बांट दिया है राजस्थान में। अब देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं दक्षिणी अरावली की। ठीक है, तो दक्षिणी अरावली की अगर अपन बात करें तो दोस्तों देखो, इसमें दोस्तों सिरोही से यह प्रारंभ होती है दक्षिणी अरावली, और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, यानी कि अगर मैं बात करूं कि दक्षिणी अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों गुरु शिखर। ठीक है, और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है, दूसरे नंबर की इसकी चोटी कौन सी है, तो वो है शेर, ऊंचाई कितनी है 1597 मीटर। तीसरे नंबर की दिलवाड़ा, और इसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ उसमें, और ये जो चोटी है इनको आप राजस्थान की चोटी मत मान लेना। ठीक है, राजस्थान में कुछ डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये दक्षिणी अरावली की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पे दक्षिणी अरावली ये दोस्तों सिरोही से लेके राजसमंद तक फैली हुई है, और इसमें टोटल 11 जिले आते हैं। ठीक है, याद रखना, इसमें टोटल 11 जिले आते हैं दक्षिणी अरावली में। सर्वोच्च चोटी है इसकी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ठीक है, ये हो गई अपनी दक्षिणी अरावली। अगर अपन अब बात कर रहे हैं अपन इसमें मध्य अरावली की। ठीक है, मध्य अरावली है वो राजसमंद से लेके जयपुर तक फैली हुई है। ठीक है, इसमें अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र आ चुका है, और सर्वोच्च चोटी देखो, दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, तो गुरु शिखर। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तो मोरमजी या टोटगढ़। ठीक है, जिसकी ऊंचाई है कितनी, तो दोस्तों 933 मीटर उसकी ऊंचाई है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों देखो तारागढ़, तारागढ़ की है 870 मीटर और नाग पहाड़ी की है 795 मीटर। ठीक है, याद रखना इसको। जो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, टोटगढ़ 933 मीटर मोरामजी की। ठीक है, और तारागढ़ है ये दोस्तों 870 मीटर इसकी ऊंचाई है, याद रखना। कई बार लड़के क्या कर देते हैं कि मध्य अरावली की जो चोटी है वो तारागढ़ बता देते हैं, तो दोस्तों तारागढ़ नहीं है, टोटगढ़ है, जिसकी ऊंचाई है 933 मीटर है। ठीक है, इस कंफ्यूजन को आप सही कर लेना, याद रखना इस चीज़ को। उसके बाद में दोस्तों उत्तरी अरावली आती है, और उत्तरी अरावली है ये दोस्तों जयपुर से लेके जो झुंझुनू खेतड़ी स्थान है वहाँ तक फैली हुई है ये जो उत्तरी अरावली। इसके अंतर्गत दोस्तों 5 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, 5 जिले आते हैं इसके अंतर्गत। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है रघुनाथगढ़, यानी कि अगर मैं बात करूँ, प्रश्न पूछा जाए परीक्षा में कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोस्तों टोटगढ़, ऊंचाई कितनी है उसकी 933 मीटर। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोस्तों सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ऊंचाई कितनी है 1722 मीटर। अब मैं प्रश्न पूछता हूं आपको कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोस्तों वो है रघुनाथगढ़, ऊंचाई कितनी है 1055 मीटर। 1055 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है उत्तरी अरावली की। सेकंड नंबर की अगर अपन बात करें कि यानी कि उत्तरी अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है मालखेत, कितनी है 1052 मीटर। उत्तरी अरावली की तीसरी सबसे ऊंची चोटी तो वो है लोहागढ़, ठीक है, झुंझुनू में पड़ता है, एक स्थान भी है बहुत अच्छा, तो दोस्तों 1051 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, लोहागढ़ का आचार है वो बहुत ही शानदार होता है। ठीक है, तो जो ये रघुनाथगढ़ है ये शिखर में पड़ती है दोस्तों। ठीक है, तो जयपुर से लेके और झुंझुनू तक फैली हुई है उत्तरी अरावली, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़। इसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं, याद रखना दोस्तों। तो मैंने आपको अरावली के जो अध्ययन करने के लिए इसको 3 पार्टों में बांटा गया है, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। आप सभी को पता चल गया होगा कि ये इसमें क्या क्या है। ठीक है, 11 जिले आते हैं दक्षिणी अरावली में और 5 जिले आते हैं उत्तरी अरावली में, याद रखना। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं, गुरु शिखर। गुरु शिखर की अगर अपन बात करें तो दोस्तों यह मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी, सॉरी दक्ष हाँ
देखो इसमें मैं बात कर रहा था अरावली की, ठीक है। तो अरावली की अगर मैं बात करता हूँ तो दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। और दोस्तों ये इस लाइन को पढ़ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है, मध्य भारत की यानी कि पूरा जो भारत है, ठीक है, पूरा जो भारत है। जैसे दोस्तों ये अपना भारत है, ठीक है, और इसमें जो मध्य भारत है, मध्य भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी है तो वो कौन सी है? तो वो है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। और दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी तो वो भी गुरु शिखर है, और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी तो वो भी गुरु शिखर है, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा है। किसे संतों का शिखर कहा है? तो गुरु शिखर को दोस्तों कर्नल जेम्स टोड, ठीक है, आधुनिक राजस्थान के इतिहास के दोस्तों इनको गुरु माना गया है, ठीक है, जनक माना गया है, आधुनिक राजस्थान के इतिहास का जनक किसे माना गया है? तो कर्नल जेम्स टोड को। इसको दोस्तों घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। यह माउंट आबू पर्वत पर स्थित है, ठीक है, यानी कि गुरु शिखर है वो कहाँ पर है? तो ये माउंट आबू में है। इसके गुरु शिखर के ऊपर दोस्तों मैं लगभग वहाँ पे माउंट आबू में 5 साल रहा था। तो गुरु शिखर के ऊपर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, ठीक है, हनुमान जी का, और पास में एक बड़ा सा घंटा लगा हुआ है, और आप वहाँ से बस नज़ारे देख सकते हैं, और कुछ नहीं है ऊपर, ठीक है। गुरु शिखर हम तो जा के दोस्तों बोर हो चुके थे वहाँ पे। तो देखो यह माउंट आबू पर्वत पर है, ठीक है, और इसे कर्नल जेम्स टोड ने माउंट आबू यानी कि हिंदू आल्पस कहा है। यानी कि दोस्तों माउंट आबू को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? तो हिंदू आल्पस कहा है, याद रखना। देखो आगे चलते हैं। दक्षिणी अरावली को दो भागों में बांटा गया है। दोस्तों देखो इतनी चीज़ें हैं वो आपको कोई भी टीचर नहीं पढ़ाता होगा, और ना आपको इतनी डिटेल आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अगर आपने ये पढ़ लिया ना, तो दोस्तों आप RS क्या IAS लेवल तक का एग्ज़ाम दे सकते हो इससे, ठीक है। आपको पता होगा, आपने खुद ने पढ़ा है तो दोस्तों आपको खुद को पता चल रहा होगा कि ऐसी चीज़ें हैं वो किताब में नहीं मिलती है, चाहे आप कोई सी किताब खरीद लेना। दोस्तों दक्षिणी अरावली को दो भागों में बांटा गया है। पहले तो अरावली को अपन ने 3 भागों में बांटा था, ठीक है, 1, 2, 3। अब अपन ने जो दक्षिणी अरावली है इसको, यानी कि सिरोही से राजसमंद तक फैली हुई थी, इसको अपन ने दोस्तों 2 भागों में बांट दिया है। एक तो है इसमें आबू अरावली और एक है मेवाड़ अरावली, ठीक है। आबू अरावली का जो विस्तार है वो दोस्तों सिरोही में है, और मेवाड़ अरावली का जो विस्तार है वो उदयपुर राजसमंद, ठीक है, उदयपुर राजसमंद, ठीक है। और इसकी सर्वोच्च चोटी की अगर अपन बात करें मेवाड़ अरावली की, तो इसकी सर्वोच्च चोटी है जरगा, जिसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। देखो समझ में आ गया, दक्षिणी अरावली को अपन ने 2 भागों में बांटा, आबू अरावली और मेवाड़ अरावली। आबू अरावली का जो विस्तार है वो सिरोही में है, ठीक है, और इसकी सर्वोच्च चोटी आपको सभी को पता है, आबू अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। और मेवाड़ अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है जरगा, जिसकी ऊंचाई है 1431 मीटर, ठीक है। मेवाड़ अरावली का जो विस्तार है वो उदयपुर राजसमंद में विस्तृत है। अब दोस्तों बात करते हैं राजस्थान में अरावली की सर्वोच्च चोटियाँ, ठीक है। तो आप सभी ने एक ट्रिक भी सुनी होगी, गुरु से दिल से जरा आस, ये आपने एक ट्रिक सुनी होगी, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि सबसे ऊंची चोटी क्या है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाता है कि गुरु शिखर शेर जरगा अचलगढ़ फिर दिलवाड़ा लेके आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना इस चीज़ को, ये दिलवाड़ा है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पे दिलवाड़ा का एक जैन मंदिर बना हुआ है वहीं पे माउंट आबू में, ठीक है, आप कभी जाओगे तो देख के आना उधर। सबसे बढ़िया चीज़ है माउंट आबू में अगर देखने लायक है तो वो है सनसेट पॉइंट, ठीक है, वहाँ जरूर जाके आना। नक्की झील है, आप वहाँ भी जा सकते हैं।
देखो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी है ट्रिक है दोस्तों गुरु, गुरु से दिल से, ठीक है गुरु से दिल से। तो देखो गुरु से क्या हो जाएगा, गुरु शिखर। कहाँ पर पड़ती है ये, तो दोस्तों माउंट आबू सिरोही ज़िले में पड़ती है और इसकी ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। अगर अपन जो मंदिर बना हुआ है, मैंने आपको बताया था हनुमान जी का एक मंदिर बना हुआ है, तो अगर उसकी अगर ऊंचाई जो जोड़ें तो दोस्तों उसकी ऊंचाई है 5 मीटर, तो 1727 मीटर भी अगर मंदिर की ऊंचाई जोड़ें तो 1727 मीटर होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो अरावली की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है शेर, गुरु से शेर, ठीक है। ये शेर भी दोस्तों सिरोही में पड़ती है, 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर दोस्तों दिल से एक दिलवाड़ा, ठीक है दिलवाड़ा है, दिलवाड़ा दोस्तों ये भी सिरोही में पड़ता है और माउंट आबू में, ठीक है, और इसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। उसके बाद में दोस्तों जरगा, ठीक है जरगा है ये उदयपुर में पड़ता है और ये उदयपुर मैंने अभी आपको बताया था कि मेवाड़ अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है जरगा, इसकी ऊंचाई 1431 मीटर है, उदयपुर में पड़ती है दोस्तों, ठीक है। गुरु से दिल से जरा आस, जरा हो गया जरगा, आस से हो गया अचलगढ़, सिरोही ज़िले में है, 380 मीटर ऊंचाई है इसकी, सॉरी 1380 मीटर इसकी ऊंचाई है, माउंट आबू में ही है। कुंभा, कुंभलगढ़ है राजसमंद में, ठीक है, और इसकी ऊंचाई है दोस्तों 1224 मीटर। रघुनाथगढ़, मैंने अभी आपको बताया था रघुनाथगढ़ है ये उत्तरी राजस्थान सॉरी उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर, सीकर जिले में पड़ती है दोस्तों ये। उसके बाद में ऋषि, ऋषि का मतलब होता है ऋषिकेश और ये सिरोही ज़िले में पड़ता है और 1017 मीटर इसकी ऊँचाई है। देखो काश्य हो जाएगा कमलनाथ, कमलनाथ है ये उदयपुर में पड़ती है ये और इसकी ऊंचाई है 1000 मीटर। उसके बाद में सज्जन, तो सज्जनगढ़ है ये दोस्तों उदयपुर में पड़ती है और 938 मीटर इसकी ऊंचाई है। मोर, मोराम जी टोटगढ़ ये दोस्तों अजमेर में पड़ती है, इसकी ऊंचाई है 934 मीटर। खो, खो है ये दोस्तों जयपुर में पड़ती है, इसकी ऊँचाई है 920 मीटर। सात से सायरा हो जाएगा, सायरा है ये उदयपुर में पड़ती है, इसकी ऊंचाई है 900 मीटर। तय से हो जाएगा तारागढ़, तारागढ़ है ये अजमेर में पड़ता है और इसकी ऊंचाई है 873 मीटर। बो से हो जाएगा दोस्तों, बोली से हो जाएगा बिलाली और बिलाली है ये अलवर में पड़ती है, इसकी ऊंचाई है दोस्तों 775 मीटर इसकी ऊँचाई है बिलाली की। रोज, रोज से हो जाएगा दोस्तों रोजा बाकर और रोजा बाकर है ये दोस्तों जालौर में है और 730 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया इसमें जो अरावली की जो प्रमुख चोटियां थी उनके बारे में मैंने आपको दोस्तों इसमें बता दिया है और अरावली को कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में, ठीक है दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा इसमें समझा दिया है, मध्य अरावली की जो सबसे ऊँची चोटी है वो है टोटगढ़, तारागढ़ मत कर देना दोस्तों, ठीक है कई लोगों ने या किताबों में दोस्तों तारागढ़ दे रखा है, मैंने आपकी उसकी ऊंचाई भी बताई है, ठीक है। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, रघुनाथगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। कहाँ पर है वो, तो वो सीकर जिले में है, ठीक है। तो मैंने आपको अरावली के बारे में पूरा समझा दिया है, कल इसका अरावली का नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें मैं आपको जो अरावली के बारे में और भी कुछ इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊँगा कि अरावली का महत्व क्या है और इनकी आकृति है वो कैसी है, ठीक है सारी चीज़ें बताऊँगा अरावली के बारे में। तो दोस्तों आज अपनी सातवीं क्लास है वो यहीं समाप्त होती है, कल से दोस्तों एक क्लास और स्टार्ट की जाएगी, देखते हैं कौन सी स्टार्ट होती है। तो आराध्या आर्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद जय भारत।